Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि BMIs क्या होती हैं। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि कौन से बच्चे ओवरवेट होते हैं, कितने कद कितने वेट के साथ बच्चों को ओवरवेट कंसीडर किया जाता है और कितने वालों को सही कंसीडर किया जाता है। तो ये आज की वीडियो, इसमें ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए हैं। तो ये और तो सेकंड एयरफोर्स और नेवी आर्मी, ये तीनों फौजों के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही स्टैंडर्ड्स काउंट किए जाते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, सबसे पहले BMI का जो फार्मूला होता है वो वेट केजी में होता है और हाइट मीटर स्क्वायर में होती है। क्या होता है, आपने जो भी वेट होता है, जैसे आप किसी भी जगह पर जाके अपना वेट करवाते हैं, वो केजी में होता है। जैसे 50 केजी है, 55 केजी है, 60 केजी है, और उसके बाद हाइट होती है। हाइट आपकी जैसे 5 फुट 6 इंच है, तो फुटों को हम कन्वर्ट करेंगे इंचों के अंदर और वहाँ से फिर देखते हैं किस तरह करना है। तो सबसे पहले बच्चे देखें कि एक मैं एग्जांपल कोट करता हूँ। एक बच्चा है, वो नेवी एयरफोर्स आर्मी ASF या किसी भी इदारे में भर्ती होना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसका कद है 5 फुट 6 इंच। अब जो जब वो वेट करता है तो उसका वेट बनता है 62 किलोमीटर। ये मैंने एक अज्यूम किया है, आपने उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन खुद से करनी है। अब सबसे पहले बच्चे जो स्टेप में आपने करना होता है कि आप हमें देखें कि फार्मूले के अंदर देखें कि हमें फार्मूले के अंदर हाइट बताई हुई है। क्या है, हाइट मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब है कि हमें पहले कन्वर्ट करनी होगी जो भी, जैसे ये 5 फुट हैं, फुटों को हमें मीटर में बनाना होगा सबसे पहला जो काम है। तो उसके लिए दूसरा काम हमने ये करना है कि जैसे हमारे पास 1 फुट है, उसके अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 1 फुट के अंदर। उसके बाद अब जैसे 30.48 सेंटीमीटर थे तो हमारे पास कद बन रहा है 5 फुट 6 इंच, तो 5.6 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सेंटीमीटर्स को, तो हमारे पास 170.6 सेंटीमीटर निकल आए। अमूमन पाँच, ये भी कद लिखा होता है, 5 फुट 6 इंच भी बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि 170.6 सेंटीमीटर या 170, 165 इस तरह भी स्टैंडर्ड वैकेंसीज के अंदर लिखे होते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा 170 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेंटीमीटर निकला है, अब हमने सिंपल इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स के अंदर। तो मीटर्स में बच्चे देखें कि एक जो मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब है कि अगर 170 हैं तो वो बने 1.7, मतलब जब इसे 170 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1.706 बनेगा। अब हमने मीटर में निकल आई, लेकिन हमने लेना है मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि BMI फार्मूले के अंदर इसको इंटर करेंगे। जैसे 62 है ये वेट था, ये वाला 62 वेट है, डिवाइडेड बाई, अब ये जो हमने लिया था 1.706 को स्क्वायर जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ये जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 2.90 इसका जब स्क्वायर हम लेंगे। तो जब इसे हम अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड निकल रहा है वो 21.3 निकल रहा है। अब एक चार्ट होता है बच्चे, उस चार्ट की मदद से देखा जाता है कि कौन सा बच्चा ओवरवेट है। ये देखें, ये चार्ट बना हुआ है। अब आपका जो स्टैंडर्ड है ये देखें, यहाँ पे 18 से अगर नीचे हैं तो आप अंडरवेट होंगे, अगर 18.5 से 24.9 है आपका वेट तो इसका मतलब है कि आपका बना है 21.3, तो आप आइडियल हैं और नॉर्मल वेट में कंसीडर कर रहे हैं इस फेज में। इसका मतलब है कि आप ठीक हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आपका ओवर वेट का मसला नहीं। अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं, जैसे ये वाली 21 की फिगर 25 से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आप ओवर वेट में चले गए हैं। अगर उससे ज़्यादा चले जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वेट और ये एक्सट्रीम वेट में चला जाते हैं। तो इसलिए बच्चे आपका स्टैंडर्ड वेट निकला है और आप इसमें लाइक कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे 62 था आपका, 66 मीटर केजी बनता है, तो फिर भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब ये था बच्चे मेल का, इसी तरह फीमेल का भी देखते हैं। तो फीमेल का भी बच्चे यही फार्मूला होगा अब, लेकिन उनका कद थोड़ा कम होता है। कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनका ज़्यादा कद भी होता है, लेकिन इसीलिए स्टैंडर्ड 4 फुट 8 इंच लिया जाता है और उस हिसाब से 5 फुट 3 इंच की मैंने एक कैलकुलेशन की है ताकि सब बच्चियों को समझ आ जाए। अब इसमें हम वेट अज्यूम करते हैं 35 केजी। अब बच्चे सेम कैलकुलेशन होगी, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें मीटर्स के अंदर। और अब क्योंकि जैसे 5 फुट 3 इंच है, 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 161.5, क्योंकि ये जो 30 था ये सेंटीमीटर थे और 5.3 इसलिए लिखा जाता है कि 5 फुट 3 इंच है, इसलिए 5.3 लिखा गया। क्लियर हो गया बच्चे,
जब ये हमने लिख लिया तो उसके बाद ये अब अगेन उसके बाद हमने इसे एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये 161 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 1.6। क्या बना? 1.61 बना हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अब हमें इसे फार्मूले में इंटर करना है, BMI के फार्मूले के अंदर। जैसे ये वेट 55 था, ये वाला हमने ले लिया। उसके बाद 1.5 का जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2.6। ये क्या 55 को इसे डिवाइड करेंगे तो ये 21.15 बना। इसका मतलब है कि अगर इस स्टैंडर्ड के अंदर देखें तो ये देखें इस कॉलम के अंदर ये बच्चियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं 55 kg वेट वाली। तो इसी तरह ये वाली बच्ची सिलेक्टेड हो जाएंगी। इससे ऊपर जैसे ही जाते हैं 25 से ऊपर तो ये ओवर वेट है और 18.5 से नीचे ये अंडर वेट है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका फार्मूला समझ आ गया। इसी तरह आप जिस बच्चे का जो वेट है, जितनी हाइट है, अपनी वो हाइट मेजर करें, उसके बाद वेट मेजर करें, करने के बाद इस फार्मूलाज के अंदर वो अपने आप को एंटर करें, करने के बाद आपके बच्चे निकल आएगा कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। तो आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। अभी तक बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को लाइक कर लें, इंशाल्लाह बहुत सी वीडियोज ऐसी मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इसे ये था, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा इतना वेट है, क्या मैं ओवर वेट हूँ नहीं हूँ। तो मैंने मुनासिब समझा मैं एक वीडियो बना दूँ, आपको पूरा फार्मूला समझा दूँ, बजाय आप किसी से पूछने के आपको खुद से आनी चाहिए ये कैलकुलेशंस। मेन मकसद ये था। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।